आज मैं आपको कुरान का जुजान, जिसको तिलेदानी भी कहते हैं, बनाना बता रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका कवर बनाना बताया था, और आज मैं आपको इसका जुजान बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें नाप लेना होगा। ये तकरीबन मेरा 14 इंच आ रहा है, लेकिन मैं इसे, मुझे अस्तर लगाना है तो मैं 1 इंच फालतू लूँगी सिलाइयों के लिए। ये मैं लूँगी 15 इंच। मैं यहाँ से लूँगी, इस तरह भी करके नाप सकते हैं। ये इस तरह हमें एक चौकोर पीस निकालना है। ये मेरा अस्तर वाला कपड़ा है, अब मैं इसका बनारसी कपड़े पे बना रही हूँ, तो मैं इसको इसी तरह बराबर निकालूंगी। अब देखिए, मैं इसकी डोरी निकाल रही हूँ। डोरी तकरीबन मैं इसकी निकालूंगी 25 इंच की। 25 इंच इसकी लंबाई है। और तकरीबन 1.5 इंच में इसकी चौड़ाई लूँगी। इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करके ऐसे यहाँ सिलाई लगा देंगे। जुज़ान की डोरी के अंदर एक फूल लगाते हैं। जो कि हम डोरी के अंदर आगे इस तरह लगा देते हैं, तो उससे और अच्छा खूबसूरत लुक आ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसकी डोरी तैयार करूँगी। अब देखिए, मेरे पास में 4 तरफ कॉर्नर है, तो किसी भी एक कॉर्नर पे मैं इसको इस तरह अटैच करूँगी। किसी भी एक कॉर्नर पे अटैच कर सकते हैं इस तरह। अब मैं इसमें पूरे में सिलाई लगाऊंगी। डोरी की जगह पे डबल सिलाई कर लें। जहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ कॉर्नर बनाना है। अब हम इसको इतना छोड़ देंगे ताकि ये आराम से सीधा हो सके। अब देखिए, मैंने 70 इसमें सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करूँगी, चाहे तो कॉर्नर को इस तरह कट कर लें। अब इसको यहाँ से सी लेंगे। अब देखें, हमारे पास ये कुछ इस तरह बन गया है। अब इसकी ये डोरी भी लगा दूंगी मैं।
अब मैं सुई की मदद से इसमें यहाँ जाल बनाऊंगी। देखिए एक साइड तैयार हो गई, अब ये दूसरा वाला तैयार करूँगी। अब देखिए ये रेडी है, और इस तरह के जिस दानों में रखे हुए कुरान बहुत ही प्यारे लगते हैं और महफूज भी रहते हैं।